बैठ जाओ बैठ जाओ। राज अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ हम कर सकते हैं ना। हाँ नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया? आई कैन डू इट। हाँ तो मिस्टर वाचा, नहीं अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतर कर ये कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझधार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझधार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाचानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने। अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शहनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज बड़ा बच्चा आदमी है यार। रिकॉर्ड है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सब की दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर मैं 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज, राज ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। Hello. अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा, ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्गुमेंट दी, आई मीन जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। Really? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एक लव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना, मैं इस एक लव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। सर, मैं कमिंग सर। या या, कमिंग कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज? हाँ सोनम, तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ, खाओ खाओ बेटा। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ, यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता।
मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। Sir, you don't have to give me offer, you just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. मैं देखो कहाँ गए? कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ, जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। Yes, sir. वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, जी. तुम दो चार घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो, वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं शाम को join कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे, okay. कोई है? Oh. अलग कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार। फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊँ और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूँ तो बेटर है ना? ये लीजिए। अरे एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी पानी पूड़ियाँ खा जाऊंगा लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज, यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किस दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। Huh? That's great. Let's do that. Okay. अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. Oh, Raj! What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया? कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर? नहीं, वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा, वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो NRI है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी की मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता हूँ। अनबिलीवेबल, उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओ वाओ, अब आप हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। यकीन मानिए मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगू। सर समझिए, इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें कुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। खुराना जी, सर मैं चला जाऊंगा, मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। सी यू टुडे। ओके, लेट्स गो। बाय। कम ऑन, हरी अप। बाय। थैंक यू। गुड बाय।